हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन एट होम। वेलकम टू योर ईवीएस क्लास ऑफ ग्रेड सेकेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो एवरीवन, प्लीज ओपन योर ईवीएस टेक्स्ट बुक एंड ओपन द चैप्टर नंबर 9। इट्स नेम इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स के परिवहन के साधन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे वार्म अप क्वेश्चन से। तो लेट्स सी what is the warm up question. Look at the following pictures of vehicles that we use to travel from one place to another. Can you identify them? Which one of these do you see more commonly around you? That means ki ye char vehicles ki aapko picture di gayi hai jo ki aapko ek jagah se dusri jagah pe pahuncha sakte hain, to kya aap in sabhi ko pehchan sakte ho ki charo vehicles kaun se hai? और एक और क्वेश्चन है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके जो आसपास है वो इन चारों व्हीकल्स में से कौन सा व्हीकल्स मोस्ट कॉमन होता है, जो ज़्यादातर आपके आसपास आपको दिखने को मिलता है, उसके ऊपर आपको राइट मार्क करना है। ओके, चलो फर्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। लेट्स स्टार्ट। We use different vehicle to go to different places. That means कि हम अलग अलग जगह पे जाने के लिए अलग अलग टाइप के जो होते हैं, जो व्हीकल होते हैं, वो यूज़ करते हैं। ओके, द वे ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स कि हमारे जो गुड्स होते हैं, सामान होता है, उसको या तो फिर हमको पीपल को, लोगों को जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है द व्हीकल्स यूज्ड फॉर कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स कि द व्हीकल्स यूज फॉर कैरिंग पीपल और गुड्स, दैट मीन्स कि लोगों को और उनके सामानों को या तो फिर किसी भी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो व्हीकल्स, जो वाहन यूज होते हैं, उसको हम कहेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, यानी परिवहन के साधन। Some vehicles are used for long distance, some are used for short distance. That means के कुछ जो वाहन होते हैं वो लंबी दूरी कम करने के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नज़दीकी जो डिस्टेंस होता है उस प्लेस पे जाने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवलिंग इन द पास्ट। दैट मीन्स कि भूतकाल में बहुत सालों पहले हम लोग ट्रैवल कैसे करते थे, ये टॉपिक उसके बारे में है। लेट्स स्टार्ट। आवर वर्ल्ड इज ह्यूज, दैट मीन्स कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो बहुत ही विशाल है। सो वी कैनॉट रीच ऑल प्लेसेस बाय वॉकिंग। दैट मीन्स कि जो पूरी दुनिया है वो बहुत विशाल है, तो हम लोग है ना सारी जगह पे चलते नहीं पहुँच सकते। So we use different vehicles to reach different places. So इसलिए, इस वजह से हम लोग जो है वो अलग अलग जगह पे जाने के लिए अलग अलग टाइप के जो व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। But do you know that many many years ago people used to travel from one place to another on foot? क्या आपको ये पता है कि बहुत बहुत सालों पहले जब ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो जो लोग हैं वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लेग्स का, अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे। दे यूज टू कैरी देयर गुड्स ऑन देयर शोल्डर्स और ड्रैग देम ऑन स्लेज विच आर मेड विथ लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। डेट मीन्स के तब जब उनके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, उससे पहले वो लोग जो है वो अपने जो सामान होते हैं उसको कैसे कैरी करते थे, अपने शोल्डर पे, और क्या करते थे, ड्रैग्ड देम, खींचते थे स्लेज पे रख के। अब स्लेज क्या होता है, विच वर मेड
विथ लॉग्स ऑफ वुड्स टाइड टुगेदर, डैट मीन्स कि जो लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं लंबे लंबे, उसमें से जो लॉग्स होते हैं उसको वो लोग एक दूसरे के साथ बांध के स्लेज बनाते हैं और उसके ऊपर रख के फिर वो उसको खींचते थे. लेटर दे ऑल्सो बिगेन टू यूज एनिमल्स सच एज एलिफेंट एंड बुलॉक्स टू कैरी देयर गुड्स. दैट मीन्स कि उसके बाद उनको रियलाइज्ड हुआ कि हम लोग ये एनिमल्स के ऊपर भी रख सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया कि एलिफेंट और बुलॉक जैसे जो बड़े एनिमल्स थे उनके ऊपर वो अपना जो सामान है वो कैरी करने लगे. दे ऑल्सो रियलाइज दैट इफ दे टाइड अ स्लेज टू अ पैक ऑफ एनिमल्स मोर गुड्स कुड बी ट्रांसपोर्टेड. दैट मीन्स कि उसके बाद उनको क्या रियलाइज्ड हुआ कि अगर हम जो हमारे स्लेज है वो एनिमल्स के साथ बांध दें तो हम लोग ज़्यादा जो सामान है वो कैरी कर सकते हैं. अर्ली पीपल परहैप्स ऑल्सो नोटिस दैट लॉग्स ऑफ वुड रोल डाउन द स्टीप अराउंड इजीली. दैट मीन्स कि उसके बाद उन लोगों को क्या रियलाइज्ड हुआ कि जो वुड के लॉग्स होते हैं वो राउंड होते हैं. तो वो क्या है, वो जो लॉग्स होते हैं वो इजीली रोल डाउन होते हैं. तो उसके बाद वो ग्राउंड पे से इजीली वो आगे बढ़ सकते हैं. ये पहले के लोगों को नोटिस हुआ. दिस माइट हैव गिवन देम अ आइडिया ऑफ अ व्हील. दैट मीन्स कि ये उन्होंने जब ये लॉग्स को लुढ़कते हुए देखा, रोल डाउन करते हुए देखा, तो उनको सडनली एक आइडिया हुआ उनके माइंड में और फिर ऐसे ही उन्होंने व्हील बनाने का, व्हील का इन्वेंशन किया. ओके, द एडिशन ऑफ व्हील्स टू द स्लेज हेल्प इट टू मूव फास्टर. दैट मीन्स कि अब उन्होंने वुड से व्हील बनाया और उसके बाद उसको जो है स्लेज से कनेक्ट कर लिया ताकि वो जल्दी से ज़्यादा सामान कैरी कर सके. देखिए यहाँ पे फोटो है, क्या लिखा है, द स्लेज इज स्टिल यूज इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दैट मीन्स कि जो स्लेज है वो आज भी इस्तेमाल कर हो रहे हैं दुनिया में. ये स्लेज है और देखो ये डॉग है जो उसको ड्रैग कर रहा है. नाउ ये है अ कार्ट यूज इन द ओल्डन टाइम्स. दैट मीन्स कि पुराने जो समय था उनमें ये कार्ट है वो यूज़ होता था. कार्ट पे या तो फिर बुलॉक को आगे बांध देते थे और बुलॉक जो है वो कार्ट जो है वो खींचता था. ओके, नाउ टर्न द पेज. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवलिंग टुडे ऑन लैंड. दैट मीन्स कि आजकल जो ज़मीन के थ्रू कैसे ट्रैवल होते हैं, कौन कौन से व्हीकल यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नाव डेज इन सिटीज़ एंड टाउन्स देर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दैट मीन्स कि आजकल के समय में जो गांव और शहर होते हैं उनमें बहुत ही अलग अलग टाइप के जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हो गए हैं आज तो. लेट्स स्टार्ट. वी कैन ट्रैवल बाय बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शो, बाइसिकल एंड साइकिल रिक्शो. दैट मीन्स कि आजकल तो हम जो है वो बस से, कार से, ऑटो रिक्शा से, बाइसिकल्स और साइकिल रिक्शो से भी ट्रैवल कर सकते हैं. इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री स्पेशली इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स बुलॉक कार्ट, केमल कार्ट एंड टांगाज आर ऑल्सो यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू कैरी गुड्स. दैट मीन्स कि आज भी हमारी जो कंट्री है, आज भी हमारे देश है, इसमें स्पेशली ज़्यादातर विलेजेस यानी कि गांव या तो फिर स्मॉल टाउन्स, दैट मीन्स कि छोटे छोटे शहरों में बुलॉक कार्ट, केमल कार्ट और जो टांगाज होते हैं वो आज भी यूज़ होते हैं हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, या तो फिर इंसानों को, लोगों को भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं. ऑल दीज व्हीकल्स रन ऑन रोड. दैट मीन्स कि ये जो सारे व्हीकल्स है, बसेस है, ऑटो रिक्शा है, कार्स है, केमल कार्ट, बुलॉक कार्ट, टांगाज, वो सब कहाँ पे रन करते हैं, रन ऑन रोड यानी ज़मीन के ऊपर जो रोड बना होता है उसके ऊपर वो लोग चलते हैं.
ट्रेन्स आर अनदर मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स कि जो ट्रेन है वो भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट होती है, जो जमीनी परिवहन है उसका ही एक हिस्सा है. हाउएवर दे रन ऑन ट्रैक्स लेड ऑन द ग्राउंड, दैट मीन्स कि जो भले ही वो जो है ट्रेन वो कहाँ पे, हम सबको पता है कि वो ट्रेन जो है वो ट्रैक पे भागती है जो ज़मीन से जुड़ा होता है. दिस ट्रैक्स आर कॉल्ड रेल्स, दैट मीन्स कि जो ये ट्रैक्स होते हैं उनको हम कहेंगे रेल्स. ट्रेन्स कैरीज पीपल एंड गुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दैट मीन्स कि जो ट्रेन होती है वो लोगों को और सामान को हमारी जो देश है उसके अलग अलग हिस्से में पहुंचाती हैं. इन आवर कंट्री सिटीज सच एज कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई एंड चेन्नई हैव मेट्रोज फॉर ट्रैवलिंग विथ इन द सिटी, दैट मीन्स कि जो हमारे देश के शहर है जैसे कि कलकत्ता है, दिल्ली है, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई में उसी सिटी के अंदर, उसी शहर के अंदर ट्रैवल करने के लिए ये मेट्रो ट्रेन जो है वो होती है. फर्स्ट है एंड इल्यूस्ट्रेशन ऑफ अ चैरियट यूज्ड इन द पास्ट, दैट मीन्स इल्यूस्ट्रेशन ऑफ अ चैरियट. देखो सबसे पहले पुराने जो ज़माना था उसमें ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, ऐसे परिवहन के साधन थे जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते थे. उसके बाद टांगा फाउंड इन इंडिया टुडे, दैट मीन्स कि आजकल टांगा जो है वो भी अभी तक हमारी कंट्री में पाया जाता है. अ मेट्रो इन दिल्ली, दैट मीन्स कि जो दिल्ली है उसमें मेट्रो ट्रेन होती है. ओके नाउ नेक्स्ट पेज, ट्रैवलिंग टुडे ऑन वाटर, दैट मीन्स कि आज कल के जो ट्रैवलिंग है वो हम लोग वाटर पे यानी कि पानी पे कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ होते हैं. वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल अक्रॉस लेक्स, रिवर, सी एंड ओशन, दैट मीन्स कि हम लोग जो पानी के परिवहन है उसमें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे या तो फिर लेक्स को और रिवर्स को, सीज को और ओशियन को क्रॉस करने के लिए अलग अलग टाइप के जो व्हीकल्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं. बोट्स आर यूज टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस ऑन वाटर, दैट मीन्स कि जो बोट्स होती है वो कम दूरी वाली जगहों पे जाने के लिए बोट्स जो है वो यूज़ होती है. राफ्ट्स आर यूज टू ट्रैवल अक्रॉस स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, दैट मीन्स कि जो राफ्ट होती है वो स्ट्रीम्स और रिवर्स को अक्रॉस क्रॉस करने के लिए, उसके दूसरे सिरे पे जाने के लिए हम लोग राफ्ट का यूज़ करते हैं. वी सेल ऑन शिप्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, दैट मीन्स कि हम लोग जो शिप्स होती है उसमें ट्रैवल करके हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकते हैं. शिप्स आर बिग इन साइज एंड कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड गुड, दैट मीन्स कि जो शिप्स होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और बिग साइज़ की होती है और वो ज़्यादा इंसानों को और ज़्यादा सामान को भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकती है. राफ्ट, याच, शिप एंड बोट आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. देखिए ओके नाउ नेक्स्ट है ट्रैवलिंग टुडे इन एयर. अब हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. वी ट्रैवल इन द एयर बाय एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, दैट मीन्स कि ये तो सबको पता है हम सबको कि हमको अगर हवा में हवा के थ्रू, एयर के थ्रू कहीं जाना होता है तो हम लोग एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं. एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ हमारे जो परिवहन के साधन हैं उसमें से है. दे कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्यू लिटल टाइम्स, दैट मीन्स कि वो जो एरोप्लेन्स होते हैं वो थोड़े ही कम टाइम में सबसे ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं.
वी ऑल्सो ट्रैवल इन हॉट एयर बलून फॉर जॉय राइड्स। दैट मीन्स कि हम अगर जॉय राइड्स के लिए अगर हमको कहीं जाना हो तो हम लोग हॉट एयर बलून का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ ऑन द पेज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल। फ्यूल यानी ईंधन। लेट्स स्टार्ट। मोस्ट मॉडर्न व्हीकल्स सच एज कार, कार्स, बसेस, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा आर इंजिन्स टू रन। दैट मीन्स कि ज़्यादातर हमारे जो मॉडर्न वाहन हैं, जैसे कि बस है, कार है, स्कूटर्स है, मोटरसाइकिल्स है या और भी कोई व्हीकल्स है, उन सब में क्या होता है, इंजन होता है। वो आगे बढ़ने के लिए क्या यूज़ करते होता है, उसमें इंजन होता है। दिस व्हीकल्स नीड्स पेट्रोल, डीजल और CNG एज अ फ्यूअल टू रन। दैट मीन्स कि उनमें सिर्फ इंजन हो वो काफ़ी नहीं है, वो जो व्हीकल्स है उसको आगे बढ़ाने के लिए फ्यूअल की ज़रूरत पड़ती है। तो पेट्रोल, डीजल या तो फिर CNG फ्यूअल के जगह पे वहाँ पे डलता है, जिससे कि हमारा जो व्हीकल होता है वो आगे बढ़ सके। स्टीमर्स एंड स्टीम ट्रेन्स नीड कोल टू रन। दैट मीन्स कि जो स्टीमर्स होते हैं और स्टीम ट्रेन्स होती है, उनको फ्यूल की जगह फ्यूअल में कोल लगता है, कोयला लगता है उनको आगे बढ़ने के लिए, रन करने के लिए। मोस्ट फ्यूअल्स आर नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट बिकॉज व्हेन दे आर बर्न दे गिव आउट स्मोक दैट मेक्स द एयर डर्टी। दैट मीन्स कि ज़्यादातर जो फ्यूअल होते हैं, ईंधन होते हैं, वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि जब भी वो ईंधन बर्न होता है, ईंधन का फ्यूअल का इस्तेमाल होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, एक स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जो कि हमारी एयर को डर्टी बनाता है, हमारे हवा को प्रदूषित करता है। वी मस्ट अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स दैट अस सच फ्यूअल्स एज फार एज पॉसिबल। दैट मीन्स कि हमको जब भी कहीं पे जाना हो तो अगर पॉसिबल हो, अगर हमसे हो सके, तो हमको जो है वो व्हीकल्स का यूज़ करना कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वी शुड वॉक और साइकिल टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस। दैट मीन्स कि अगर हमको कहीं भी कम दूरी की जगह पे जाना हो तो या तो फिर हम चल के जा सकते हैं या तो फिर हम साइकिल के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं। दिस कीप्स अस हेल्दी एंड ऑल्सो हेल्प अस टू सेव फ्यूअल। दैट मीन्स कि अगर हम चल के जाए या तो फिर साइकिल लेके जाए तो वो हमको हेल्दी भी रखेगा और हम और हमारे लिए जो ईंधन है उसका बचाव भी करेगा, और जिससे जो है वो हमारी जो एयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो पॉल्यूट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 9, इट इज़ फिनिश्ड। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।